हम जो जानते हैं वह ज्यादा नहीं है, जो हम नहीं जानते वह अपार है। कुछ ऐसे अंतिम शब्द थे 18वीं शताब्दी के सबसे प्रसिद्ध फ्रेंच वैज्ञानिकों में से एक पियर साइमन लैपलेस के, जिन्हें फ्रांस के न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है। एक अभूतपूर्व पॉडकास्ट श्रृंखला विज्ञान शनिवार में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला के दौरान हम आपका परिचय कुछ ऐसे वैज्ञानिकों से करवाएंगे जिनके योगदानों ने सभी बाधाओं को तोड़ते हुए ब्रह्मांड को समझने के हमारे तरीकों को ही बदल दिया। मेरा नाम है रश्मि और इस कड़ी में मैं आपका परिचय फ्रेंच न्यूटन के नाम से प्रसिद्ध पियर साइमन लैपलेस के जीवन की एक दिलचस्प झलक प्रस्तुत करूंगी। मैं आशा करती हूं कि आप इस पॉडकास्ट को अंत तक सुनेंगे। इतिहास में सिर्फ मिट्टी भर वैज्ञानिक ऐसे हैं जिनका इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स, जियोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स एवं फिलॉसफी के क्षेत्रों में लैपलेस से ज़्यादा योगदान है। इस पॉडकास्ट के पहले भाग में हम लैपलेस की वैज्ञानिक विरासत की शुरुआत को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे नायक की यात्रा 1749 फ्रांस के छोटे से शहर नॉर्मैंडी में शुरू हुई। यह एक ऐसा समय था जब देश की ज़रूरतें बदल रही थीं और उच्च शिक्षा में प्रमुख धार्मिक समूहों की भूमिका कम हो रही थी। लैपलेस के पिता कुछ संपादकों के मालिक थे और खेती करते थे। वह चाहते थे कि लैपलेस एक पादरी बने और इसी कारण उन्होंने लैपलेस को कौन विश्वविद्यालय में थियोलॉजी पढ़ने के लिए भेजा। हालांकि विश्वविद्यालय में लैपलेस का परिचय दो उत्साही गणित शिक्षकों से हुआ, जिनकी देखरेख में लैपलेस का गणित के प्रति जोश जग गया। यह स्वीकार करते हुए कि उनके पास धर्मशास्त्र के लिए कोई कौशल नहीं था, लैपलेस ने एक पेशेवर गणितज्ञ यानी मैथमेटिशियन बनने का संकल्प लिया। फ्रांस में रॉयल अकेडमी ऑफ साइंस की स्थापना की जा चुकी थी। यह सोसाइटी बुद्धिमान लोगों को फुल टाइम रिसर्च यानी पूर्णकालिक अनुसंधान करने के लिए वेतन प्रदान करती थी। लैपलेस यही नौकरी प्राप्त करना चाहते थे। इस कारणवश उन्होंने 19 साल की उम्र में अपने गणित के शिक्षकों से एक सिफारिश पत्र प्राप्त किया और 18वीं शताब्दी के एक महान गणितज्ञ जीन डी एलम्बर्ट द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए पेरिस की ओर चल दिए। डी एलम्बर्ट ने लैपलेस का ठीक से स्वागत नहीं किया, बल्कि उनसे छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक मोटी गणित की किताब पकड़ा दी और पढ़कर वापस आने का आदेश दिया। जब लैपलेस कुछ दिनों बाद वापस आए तो डी एलम्बर्ट ने उनका फिर से स्वागत नहीं किया। डी एलम्बर्ट का मानना था कि लैपलेस झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने किताब को पढ़ा व समझा ही नहीं था। लेकिन लैपलेस से पूछताछ करने पर डी एलम्बर्ट ने महसूस किया कि वह पुस्तक को समझ चुके हैं और उस समय से उन्होंने लैपलेस को अपनी देखरेख में ले लिया। एक और कथा यह है कि लैपलेस ने गणित की एक कठिन समस्या एक ही रात में हल करी, जिसे डी एलम्बर्ट ने अगले हफ्ते तक हल करने के लिए बनाया था। अगली रात लैपलेस ने एक दूसरी और जटिल गणित समस्या का हल प्राप्त किया। इससे प्रभावित होकर डी एलम्बर्ट ने एक नए रॉयल मिलिट्री अकेडमी में एक शिक्षण स्थान के लिए लैपलेस की सिफारिश करी। सुरक्षित आय और सरल पढ़ाने की जिम्मेदारियों के साथ लैपलेस ने रॉयल अकेडमी को एक के बाद एक वैज्ञानिक रिसर्च पेपर प्रस्तुत करे। अंत में लगभग 5 वर्षों के बाद रॉयल अकेडमी ऑफ साइंस ने उन्हें एक सदस्य के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद वह एक फुल टाइम प्रोफेशनल रिसर्चर यानी पूर्णकालिक पेशेवर शोधकर्ता बन गए। उन्होंने विभिन्न विषयों पर कई वर्षों तक काम किया, विशेष रूप से एस्ट्रोफिजिक्स यानी खगोल भौतिकी विज्ञान और प्रोबेबिलिटी थ्योरी यानी संभाव्यता सिद्धांत। आइए इस खंड को एक दिलचस्प तथ्य के साथ समाप्त करते हैं। लैपलेस नेपोलियन बोनापार्ट के प्रशिक्षक थे, जब नेपोलियन 1784 में पेरिस के रॉयल मिलिट्री एकेडमी में एक विद्यार्थी थे। अगले खंड में हम लैपलेस के रिसर्च एटीट्यूड यानी अनुसंधान संभाव और विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए उनके योगदानों को जानेंगे। लैपलेस स्वयं फर्मिट या न्यूटन की तरह एक जनक नहीं थे, लेकिन एक सिंथेसाइजर एवं सुधार करने वाले गणितज्ञ थे। वह अन्य लोगों की इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान द्वारा इंगित किए गए रस्तों को
उनकी मंजिल तक पहुंचाने में बेजोड़ थे। बस एक विचार मिलते ही वे उस विचार की जनरलाइजेशन यानी सामान्यकरण और एप्लीकेशन यानी आवेदन में शानदार थे। 18वीं शताब्दी के अधिकांश बड़ी समस्याएं सौर प्रणाली के बारे में थी। उन दिनों न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम आकाश की वस्तुओं के विश्लेषण में इस्तेमाल किए जा रहे थे। 1758 के अंत में एक कॉमेट के आगमन की भविष्यवाणी भी इन्हीं नियमों के आधार पर 1704 में न्यूटन के मित्र एडमंड हेली द्वारा करी गई थी। इस कॉमेट के आगमन ने लैपलेस को काफी प्रभावित किया था, जो तब केवल 10 वर्ष के थे। 1773 में उन्होंने इसी दिशा में अपने प्रमुख अनुसंधान कार्य की शुरुआत की और एक कठिन सवाल का समाधान ढूंढने का प्रयास किया। क्यों बृहस्पति का ऑर्बिट यानी ग्रहपथ लगातार सिकुड़ता दिखाई देता है, जबकि शनि का लगातार बढ़ता रहा है? सोलर सिस्टम के भीतर पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण इतने जटिल थे कि मैथमेटिकल समाधान असंभव लग रहा था। और वास्तव में न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि सोलर सिस्टम में संतुलन बनाए रखने के लिए डिवाइन इंटरवेंशन यानी दिव्य हस्तक्षेप की समय समय पर आवश्यकता थी। 1773 में लैपलेस ने प्रदर्शित किया कि सेक्युलर पीरियोडिकल वेरिएशन के अलावा सूर्य के ग्रहों की औसत दूरी इनवेरिएंट यानी अचल है। यह 24 साल के युवा व्यक्ति का एक ओरिजिनल रिसर्च वर्क था। वह सफल हुए जहां न्यूटन अनिश्चित थे। हालांकि इस रिजल्ट का हल ढूंढने में लगी पहुंच एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक लैग्रेंज द्वारा की जा चुकी थी, लेकिन लैपलेस के परिश्रम और धीरज ने उन्हें एक प्रशस्तता दिलाई जिससे उनके सफल पेशे की शुरुआत हुई। जिस उत्साह के साथ लैपलेस के काम को सराहा गया, उसने शायद लैपलेस को थोड़ा छल करने के लिए भी प्रेरित किया। 1774 में लैग्रेंज ने एक सामान्य विषय पर अकेडमी में कुछ मेमोयर भेजे। लैपलेस ने इस विषय पर कुछ समय पहले ही एक लेक्चर दिया था। लैग्रेंज के मेमोयर को पढ़ने पर लैपलेस ने कुछ नए रिजल्ट्स प्राप्त करे। रिजल्ट्स प्राप्त करते ही उन्होंने अपने काम को लैग्रेंज से पहले पब्लिश करने की कोशिश की। उन्होंने लिखा है, मैंने इस रिसर्च को करने के लिए लंबे समय तक सोचा था, लेकिन इन कैलकुलेशंस की एस्ट्रोफिजिक्स में कम उपयोगिता होने के कारण मैंने इसके बारे में सोचना छोड़ दिया था। मैं मानता हूँ कि मैं इन प्रॉब्लम्स पर फिर से काम नहीं करता अगर लैग्रेंज का अद्भुत मेमोयर नहीं पढ़ा होता जो उन्होंने एकेडमी के हॉल में भेजा है और वे आने वाले वॉल्यूम्स में पाया जाएगा। लैपलेस की रचनाएं इतनी फैली हुई हैं कि उन्हें सीमित समय सीमा में समझना असंभव है। उन्होंने हीट, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी में वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मैथमेटिकल नींव रखी एवं लैपलेस इक्वेशन और लैपलेस ट्रांसफॉर्म जैसे महत्वपूर्ण योगदानों के साथ मैथमेटिकल फिजिक्स यानी गणितीय भौतिकी के क्षेत्र को बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। लैपलेशियन डिफ्रैक्शनल ऑपरेटर को व्यापक रूप से गणित में प्रयोग किया जाता है, वह भी उनके नाम पे है। वे वह व्यक्ति हैं जिन्होंने सौरमंडल की उत्पत्ति को नेब्यूलर हाइपोथेसिस को स्थापित व विकसित किया है। लैपलेस ब्लैक होल के अस्तित्व और ग्रेविटी के कोलैप्स की धारणा को सब सिद्ध करने वाले पहले वैज्ञानिकों में से एक है। इसी के साथ हम खंड ग को समाप्त करते हैं। अगले और अंतिम खंड में हम लैपलेस के मैथमेटिकल योगदानों को संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे। मैथमेटिकल भाषा के बिना गणित की चर्चा करना लैपलेस के कार्यों के साथ अन्याय होगा। इसी कारण एक डिस्क्लेमर, यदि आप अगले खंड में कुछ मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी यानी गणितज्ञ शब्दशाली को नहीं समझते हैं तो पॉडकास्ट को पॉज करके एक गूगल सर्च करें। आइए एक सरल से प्रश्न पर विचार करें, आपके शहर में कितने चूहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें सिर्फ गिनती करने में सक्षम होना जरूरी है, परंतु ऐसी आबादी के लिए केवल चूहों को पहचानना और गिनना संभव नहीं है, क्योंकि वे आम तौर पर छुपे हुए रहते हैं। फिर यदि हम सारे चूहों की जनसंख्या को आसानी से गिन नहीं सकते, तो इस सवाल का जवाब कैसे देंगे? इस सवाल का उत्तर
प्रोबेबिलिटी थ्योरी और स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी में निहित है। ऐसे दो क्षेत्र जिनमें लैपलेस की बहुत दिलचस्पी थी। जिन प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स हम आजकल स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ते हैं, उसकी नींव मजबूत करने में लैपलेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लैपलेस के शुरुआती पब्लिकेशन काम डिफरेंशियल इक्वेशंस और फाइनल डिफरेंस के बारे में थे, परंतु इसी दौरान उन्होंने प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के कुछ छिपे हुए गणित और फिलॉसफी के कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना शुरू कर दिया। वे इस विचार के सबसे प्रमुख प्रचारक थे कि दुनिया में होने वाली हर घटना पहले से कैलकुलेट करी जा सकती है अगर सेलेस्टियल बॉडीज की पोजीशन और स्पीड निर्धारित कर ली जाए। वे मानते थे कि सामाजिक दुनिया और फिजिकल दुनिया दोनों वैज्ञानिक प्रोबेबिलिटी के मेथड्स द्वारा समझी जा सकती है। 5 साल के दौरान जब लैपलेस रॉयल एकेडमी में भर्ती होने की उम्मीद कर रहे थे, उन्होंने अब्राहम डी मोइवर की किताब डॉक्ट्रिन ऑफ चांस पढ़ना शुरू किया। इस किताब को पढ़ने पर उनको यह एहसास हुआ कि वह किताब के विचारों का इस्तेमाल करके प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस ऑफ इवेंट्स की प्रॉब्लम का हल ढूंढ सकते हैं। लैपलेस के योगदान का काफ़ी हिस्सा इनवर्स प्रोबेबिलिटी पर आधारित था। इस विधि के द्वारा किसी भी इवेंट के होने की अनुभव से प्राप्त हुई संभाव्यता रैंडम एक्सपेरिमेंट द्वारा कैलकुलेट की जा सकती है। यह भी प्रॉब्लम है जिसे प्रसिद्ध मैथमेटिशियन थॉमस बेस ने खुद निर्धारित किया था। वे दोनों घटनाओं के कारणों के बारे में अधिक सामान्य तरीके से सोच रहे थे, ना कि केवल जुए के संदर्भ में। अनिवार्य रूप से लैपलेस ने बेयस के थ्योरम को फिर से खोजा और लैपलेस की इसी पब्लिकेशन को प्रसिद्धि मिली। आंकड़ों के क्षेत्र में लैपलेस के मुख्य रूप से एक अव्यवस्थित तरीके से अपने थ्योरेटिकल कंसेप्ट प्रस्तुत करें। इसी के साथ हम इस खंड को समाप्त करते हैं। आज हमने एक काम के प्रति समर्पित पॉलीमैथ और फिलोसोफर के जीवन की कुछ घटनाओं को जाना। हमने यह भी देखा कि कैसे उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को आकार दिया। विज्ञान को लगभग अपने जीवन के अंत तक बहुत सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने के बाद लैपलेस की मृत्यु 5 मार्च 1827 को पेरिस में हुई। हम उनके अंतिम शब्दों को दोहराते हुए इस खंड को समाप्त करते हैं। हम जो जानते हैं वह बहुत अधिक नहीं है, जो हम नहीं जानते वह अपार है। कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर यह पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो हमारे निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। साइंस शनिवार के अगले एपिसोड में हम केमिस्ट्री जगत के एक नोबेल प्राइज विजेता फ्रिट्ज हेबर की इंस्पायरिंग कहानी सुनेंगे।